प्रत्यार शैली में बने बेटेश्वर मंदिरों का इतिहास। मित्रों, कुछ दिनों पहले इपिक चैनल द्वारा दिखाए जा रहे एकांत सीरियल में क्षेत्रीय लक्ष्मणवंशी प्रत्यार राजवंश के शासनकाल के समय बनवाए गए बेटेश्वर मंदिर, पड़ावली मंदिर, 64 योगिनी मंदिर को बनवाने वाले प्रत्यार वंश के बारे में जानकारी दी गई। एस के द्विवेदी ने प्रत्यार क्षेत्रीय साम्राज्य पर भी चर्चा की और बताया कि आज अगर हिंदू धर्म भारत में बचा हुआ है उसका श्रेय प्रत्यार राजवंश को जाता है, जिन्होंने अरबों से 300 वर्षों तक लगभग 200 से भी ज्यादा युद्ध किए, जिसका परिणाम है कि आज हम यहाँ सुरक्षित हैं। प्रत्यार क्षेत्रों का इतिहास 100 या 200 वर्षों का नहीं होकर हजारों वर्षों का है। ये कट्टू सत्य है कि इस धरती पर स्थायी रूप से किसी राजवंश ने शासन नहीं किया है, या अनेकों क्षेत्रीय राजवंशों ने समय अनुसार शासन किया और अपने वीरता, शौर्य, कला का प्रदर्शन कर सभी को आश्चर्यचकित किया। मित्रों, मनुस्मृति में प्रत्यार, परियार, पड़ियार ये सभी शब्द एक हैं, जहाँ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश में प्रत्यार लोग परियार लिखते हैं, वहीं राजस्थान में प्रत्यार लोग पड़ियार सबसे जाने जाते हैं और गुजरात के प्रत्यार लोग पड़ियार नाम से जाने जाते हैं। आइए जानते हैं बेटेश्वर का इतिहास, जो प्रत्यार शैली पर बना है, जो अपने आप में एक अद्भुत कला है। बेटेश्वर मंदिरों का इतिहास। मध्य प्रदेश के मुरैना से लगभग 35 किलोमीटर दूर भीड़ों में एक जगह पड़ती है जिसे बेटेश्वर तीर्थ के नाम से जाना जाता है। वहां 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच प्रत्यार क्षेत्रीय राजवंश द्वारा बनवाई गई एक बेहतरीन कला, करीब एक जगह पर 200 मंदिरों का निर्माण किया गया था। इन मंदिरों का निर्माण प्रत्यार परियार क्षेत्रीय राजवंश के सम्राट मीर बोज के शासनकाल से प्रारंभ हुआ और सम्राट विजयपाल प्रत्यार के शासनकाल के समय इन मंदिरों का निर्माण कार्य पूरा हुआ। भगवान शिव और विष्णु को समर्पित ये मंदिर खजुराहो से भी 300 वर्ष पूर्व में बने थे। चंबल में डाकू के आतंक के कारण ये और भी उपक्षित रहे, लगभग सारे के सारे गिर चुके हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर ASI KK मोहम्मद ने इन मंदिरों को पुनः स्थापित करने का जिम्मा उठाया है। KK मोहम्मद की वजह से आज प्रत्यार क्षेत्रीय राजवंशों द्वारा 200 से भी अधिक मंदिर वहाँ अपने पुराने रूप में लाए जा चुके हैं। KK मोहम्मद इन मंदिरों को अपना तीर्थ मानते और चाहते हैं कि आने वाले समय में इस स्थान को तीर्थ यात्रा के रूप में मान्यता मिले। KK जी ने भारत के विभिन्न स्थानों पर कई मंदिरों का जीर्णोद्वार किया है। KK मोहम्मद मंदिरों और भारतीय मान्यताओं का बहुत गुट ज्ञान और श्रद्धा रखते हैं और बिना श्रद्धा के इस तरह पुनर्निर्माण संभव नहीं होता। बेटेश्वर मंदिर के अलावा भी प्रत्यार राजपूतों ने कई चीजों का निर्माण किया था, जिसमें मुरैना, मध्य प्रदेश के पड़ावली मंदिर, 64 योगिनी मंदिर और आदि, जो आप सभी मित्रों को वहां जाकर देखने को मिलेगा। आप सभी मित्रों से और परियार क्षेत्रियों से अनुरोध है कि अपने पूर्वजों की कला को जरूर देखें। अभी यहां काम चल रहा है, टूटे हुए मंदिर को जोड़ने पर काफी समय लगेगा, फिर भी एक बार जाकर जरूर देखें। जय माँ गाजन, जय मीर बोझ प्रत्यार। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय श्री राम।